हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका साई बाबा जूटे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी के थ्रू यहां पे असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आ चुकी है। इसका जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में आपको बताया गया है, लेकिन अभी इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है इस पर अभी कुछ भी नहीं आया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी शायद आज शाम तक या कल तक यहाँ पे वैकेंसी के बारे में आपको अपडेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं कि इस वैकेंसी में कितनी टोटल वैकेंसीज दी गई हैं, इनका पे स्केल कितना रहेगा और इसमें जो एज लिमिट है वो क्या रहेगी और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है जो इनवाइट किया गया है एलिजिबल कैंडिडेट के लिए, जिसमें एप्लीकेशन सबमिशन की लास्ट डेट जो रखी गई है यहाँ पे 19 फरवरी 2024 रखी गई है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो है हमारी 20 जनवरी, यानी कि कल से ये फॉर्म आपके फिल होने लगेंगे। और फॉर्म फिल होने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग डेट जो रहेगी आपकी सबमिशन की वो 19 फरवरी रहेगी। और 19 फरवरी के बाद से देखिए पोस्ट जो है वो असिस्टेंट लोको पायलट की है। पे लेवल इन 7th CPC यानी लेवल 2 की ये जॉब है। इसके बाद एसेंशियल पे की बात करें जो 19,900 से स्टार्टिंग रहेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए। एज, अगर हम एज की बात करें तो यहाँ पे एज का जो स्टैंडर्ड दिया गया है वो 18 से 30 ईयर तक दिया गया है, यानी 18 साल मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे 30 ईयर होनी चाहिए। अब एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो अभी कोई नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं मिला है कि एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जब ऑफिशियल वेबसाइट पे रूल बुक जारी होगी तो उसमें हमें सारी चीजें पता चल जाएंगी। अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 5,696 दी गई है, ठीक है, यानी 5,696 पोस्ट पर यहाँ पे निकाली गई है वैकेंसीज। अब एज की बात करें तो एज आपकी यहाँ से काउंट होगी कब, 1 जुलाई 2024 से काउंट की जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो वही A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, जिसमें फिजिकली फिट होना चाहिए आपके इन ऑल रिस्पेक्ट से, यानी सारे रिस्पेक्ट्स में आप एकदम फिजिकल फिट होने चाहिए, जैसे कि डिस्टेंस विजन की 6x6 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस, ठीक है। और यहाँ पे नेवर विजन यानी कि पास का जो विजन है वो 0.6 विदाउट ग्लासेस चल सकता है। यहाँ पे 2D नहीं, मस्ट नॉट बी एक्सेप्ट प्लस 2D, ठीक है, यानी 2D को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन SSLC ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ NCVT, यानी कि यहाँ पे आपका मैकेनिकल रेडियो TV मैकेनिकल डीजल हील इंजन टर्नर मशीनिस्ट जितने भी हैं सारे के सारे एलिजिबल होंगे। और यहाँ पे नोट दिया गया है कि डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबव विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल इन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यानी कि यहाँ पे डिप्लोमा वाले और डिग्री वाले जो इंजीनियरिंग जो लोग किए हुए हैं वो एलिजिबल होंगे, जो भी डिप्लोमा किए होंगे या फिर जो भी डिग्री पाए होंगे, ठीक है। इसके बाद आगे की जो भी अपडेट्स होगी इसमें मे बी पोस्ट भी आपकी बढ़ सकती हैं आगे, और पोस्ट के साथ साथ एज रिलैक्सेशन भी दिया जा सकता है कि अगर RRB में जो भी वैकेंसीज निकाली गई उसमें 3 साल का 5 साल का जो रिलैक्सेशन दिया जाता है रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए वो भी दी जाएंगी मे बी। तो अगर ऐसा कुछ होता है नोटिफिकेशन आता है तो उसके बारे में हम हमारी अगली वीडियो में अगली वीडियो जो हमारी होगी वो उसी पर होगी, ठीक है। तो अगर रिक्रूटमेंट असिस्टेंट लोको पायलट की ये वैकेंसी है जिसके फॉर्म आपके 20 जनवरी 2024 से भरे जाएंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।